हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को संज्ञा एवं संज्ञा के प्रकार को बताने जा रही हूँ। पहले आप यहाँ देखें संज्ञा एवं संज्ञा के भेद। अब यहाँ देखिए संज्ञा शब्द का क्या अर्थ है। जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तब तक उसकी परिभाषा समझना मुश्किल है। तो यहाँ देखिए सम जोड़ ज्ञान संज्ञा, यानी कि सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु विशेष का सही ज्ञान कराने वाले पद को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए साधारण शब्द में संज्ञा नाम को कहते हैं, साधारण शब्दों में हम संज्ञा नाम को कहते हैं। संसार में जो कुछ भी विद्यमान है अथवा कल्पित है उन सबको हम किसी नाम से ही जानते हैं और यह नाम ही संज्ञा है, जैसे विदुषी, लड़की, हिमालय, बचपन आदि। अब यहाँ देखिए परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ देखिए प्राणी, यहाँ पर हम प्राणी बोले थे, अब यहाँ देखिए प्राणी में हो गया बच्चा, स्त्री, पुरुष, बंदर, शेर, प्रखर, तोता, चींटी, अर्थात जिस किसी में भी प्राण हो, जिसमें प्राण हो वह प्राणी होता है। और कोई भी प्राणी, वह बंदर हो, शेर हो, तोता हो, चींटी हो, सब संज्ञा है। अब यहाँ देखिए वस्तु, यहाँ हम वस्तु बोले थे किसी प्राणी वस्तु, यहाँ देखिए वस्तु टीवी है, कलम है, कुर्सी है, पलंग है, ईंट है, दीवार है आदि। उसके बाद हम बोले थे स्थान, देश, महादेश, दिल्ली, चांदनी चौक, जापान आदि, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले थे, यहाँ किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को, यहाँ भाव हो गया मिठास, बुढ़ापा, जवानी, हरियाली, माधुर्य आदि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मिठास हो गया, इसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते हैं और न स्पर्श कर सकते हैं, यह अमूर्त है यानी न दिखाई देने वाली है, यह भाव है। अब देखिए इतना जो हम बोले, इतनी बातों को जो हम बताए, इसमें गणनीय भी है और अगणनीय भी है। यहाँ पर जिसको हम गिन सकते हैं वह गणनीय हो गया और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं जैसे हरियाली, माधुर्य, मिठास, तो ये सब अगणनीय संज्ञा हो गया। कुछ प्राणीवाचक है और कुछ अप्राणीवाचक भी इसमें है, ठीक है। तो प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय और अगणनीय है इसमें। अब देखिए संज्ञा की हम पहचान कैसे करेंगे, ठीक है, संज्ञा की हम पहचान कैसे करेंगे, तो इसके रूप के आधार पर हम संज्ञा की पहचान कर सकते हैं, उसके रूप के आधार पर हम संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। तो संज्ञा शब्द के बाद परसर्ग होगा, जो भी है संज्ञा उसके बाद परसर्ग हो गया यानी विभक्ति चिन्ह, जैसे कलम से, अमेरिका में, छत पर, यानी कि जब विभक्ति पर हो गया, ने हो गया, को हो गया, ये सब विभक्ति चिन्ह है, तो संज्ञा के बाद लगेगा ही, ठीक है। दूसरा यह तरीका देख लीजिए, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं यानी परिवर्तन उसमें होंगे, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं यानी कि वचन के कारण, लिंग के कारण, कारक के कारण इसमें परिवर्तन होगा और जिसमें परिवर्तन हो जाएगा वह विकारी हो गया। तो यहाँ देखिए संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, इसमें परिवर्तन होंगे, जैसे देखिए लड़का, लड़की, ठीक है, यहाँ लिंग के कारण देखिए परिवर्तन हो गया है, लड़के, लड़कों यहाँ। अब सबसे पहले देखिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसको जानना होगा। संज्ञा को परंपरागत रूप से प्राचीन मान्यताओं के आधार पर पांच प्रकार में बांटा गया है। यहाँ देख लीजिए प्राचीन मान्यता है और यहाँ पर आधुनिक मान्यता है, तो प्राचीन मान्यता के आधार पर पांच प्रकार बांटे गए हैं। जैसे यहाँ देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये प्राचीन मान्यता है। अब देख लीजिए यहाँ पर आधुनिक मान्यता, यहाँ पर आधुनिक मान्यता के अनुसार इसके तीन भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो अब आप कहेंगे कि तो इसमें से दो कहाँ चले गए, दो को कहाँ उड़ा दिया गया, तो भैया इसको उड़ाया नहीं गया है,
कुछ तो इसको उड़ाया नहीं गया है, हटा नहीं दिया गया है, बल्कि इसको ये जो हो गया समूह वाचक द्रव्य वाचक इसको जाति वाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर जाति वाचक संज्ञा के अंतर्गत समूह वाचक और द्रव्य वाचक मान लिए गए हैं, वह इसी के अंतर्गत में आते हैं, इसीलिए यहाँ पर तीन माने गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्राचीन मान्यता के अनुसार पांच माने गए हैं। तो अब बोलिएगा कि तो ऐसा क्यों किया जाता है कि यहाँ पर प्राचीन मान्यता के अनुसार पांच, आधुनिक मान्यता के अनुसार तीन? तो नहीं, यहाँ पर भी यहाँ पर सीखने के लिए, अध्ययन की के लिए, बच्चों को समझदारी को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें होती है। हम जितना अधिक विस्तार करेंगे बच्चा उतना अधिक समझता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जाति वाचक के अंतर्गत में समूह वाचक और द्रव्य वाचक को डाल दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से हम अध्ययन कर सकते हैं और समझाने के तरीके होंगे। अब यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक और भाववाचक, यहाँ पर आधुनिक मान्यता के अनुसार तीन हो गए और पर प्राचीन मान्यता के अनुसार पांच माने गए हैं। अब यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा, सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। अब देखिए जैसे गाय, गाय कहने से पहाड़ी हो, हरियाणी हो, जर्सी हो, फ्रीजियन हो, संकर हो, देसी हो, विदेशी हो, काली हो, उजली हो, चितकबरी हो, इस सब प्रकार की गायों का बोध होता है, क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति होगी, गाय जानवरों की एक जाति हो गई। अब आप समझ गए। अब देखिए इसी में जातिवाचक संज्ञा का ही और उदाहरण देखिए, लड़का। इसमें सभी तरह और सभी जगहों के लड़के आते हैं, चाहे रामू हो, श्यामू हो, प्रखर हो, संकेत हो, मोहन हो, पीटर हो, करीम हो आदि, क्योंकि मनुष्य में एक खास अवस्था वाले मानवों की एक जाति हो गई लड़का, ठीक है। और भी देखिए उदाहरण, मान लेते हैं नदी, ठीक है, तो इसके अंतर्गत सभी नदियां इसमें आ जाएंगी, चाहे वह गंगा हो, जमुना हो, सरयू हो, कोसी हो, ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु हो, वांगो हो, नील हो, गजरा हो, फुरात हो, ये सभी नदी में आते हैं और ये सभी नदियों की एक जाति हो गई। अब देखिए पहाड़, सभी जातिवाचक के यहाँ पर उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहाड़ में देखिए इस जाति के अंतर्गत हिमालय, फ्यूजियामा, मंदार, ये सभी पहाड़ में आ जाएंगे और ये पहाड़ की एक जाति होगी। शहर में देख लीजिए, दिल्ली हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, वाराणसी हो, पटना हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, ये सभी जाति में ही आएंगे। क्या आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे? और जाति वाचक संज्ञा के अंतर्गत आधुनिक मान्यताओं के आधार पर द्रव्य वाचक और समूह वाचक संज्ञाओं को रखा गया है, इसको हम बार बार बता रहे हैं। तो आप जाति वाचक संज्ञा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए व्यक्ति वाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, उसे हम व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से खास का नाम बताती है। यह एक खास का नाम हो गया, किसी विशेष का नाम हो जाता है। अब देखिए जो संज्ञाएं किसी वस्तु विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराए, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, जो किसी खास का बोध कराए। अब देखिए जैसे जर्सी गाय से एक खास प्रकार की गाय का यहाँ पर हुआ, आप समझ रहे होंगे, जर्सी गाय यानी एक खास प्रकार की गाय। अगर हम बोलते हैं प्रखर कुमार, तो एक खास व्यक्ति का ही नाम हो गया। हुआंगो से एक खास नदी का नाम हो गया। हिमालय पर्वत से एक खास पर्वत का नाम हो गया। बेंगलुरु से एक खास शहर का बोध हो रहा है। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नदी हो गई जाति, लेकिन नदी किसी खास नदी का हम नाम बोलेंगे, जैसे गंगा, जमुना, तब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम वो अभी ऊपर में पढ़ाए थे यहाँ जातिवाचक में कि जैसे पहाड़, तो पहाड़ तो उसमें से बहुत से पहाड़ आ जाएंगे, लेकिन जब हम किसी खास पहाड़ का नाम बोलते हैं जैसे हिमालय, तब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है।
अगले वीडियो में आप भाववाचक संज्ञा एवं संज्ञा से संबंधित और भी बातों को समझेंगे।